पाकिस्तान ने दुनिया को अपनी शायरी और संगीत से तो नवाजा ही है, पर एक और ऐसा खूबसूरत तोहफा भी दिया है जिसके बारे में बात करनी तो बनती है। वो है ट्रक आर्ट। फ्लोरल पैटर्न्स हो या पोएटिक कैलीग्राफी, पाकिस्तान की सड़कों पर ट्रक्स ऐसे सजकर निकलते हैं कि मानो कोई त्योहार मना रहे हो। 1980 के दशक में पाकिस्तानी सरकार ने आम लोगों के साथ मिलकर पाकिस्तानी ट्रक आर्ट के एग्जीबिशन इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज किए और पाकिस्तानी फोक आर्ट फॉर्म के तौर पर यह कला दुनिया भर में मशहूर हो गई। हिस्टोरिकली देखें तो ट्रक्स और लॉरीज पर थोड़ी बहुत चित्रकारी 1920 से ही शुरू हो चुकी थी। इसके बाद सिख और मुस्लिम ट्रांसपोर्टर्स अपने ट्रक्स और लॉरीज पर गुरुओं, पीरों, पैगंबरों की तस्वीरें लगाने लगे। 1947 में इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के बाद ट्रकर्स पोर्ट्रेट्स के आसपास और भी एलिमेंट्स ऐड करने लगे, जैसे कि लैंडस्केप्स, फ्लाइंग हॉर्सेस या फिर पीकॉक्स। 1960 के दशक में पाकिस्तान के पहले मिलिट्री डिक्टेटर जनरल अयूब खां की तस्वीर भी इन ट्रकों पर दिखने लगी। इस समय तक ऐसी पेंटिंग्स ज्यादातर ट्रकों के पीछे ही पाई जाती थी, पर 1970 के दशक में पूरे पूरे ट्रक्स पर ये तस्वीरें और कैलीग्राफी दिखने लगी। इस पैटर्न की पेंटिंग सबसे पहले 1975 में कराची की मिनी बसेस पर दिखाई दी। अखबारों में इन मिनी बसेस की तुलना दुल्हन से की जाने लगी। इतना ही नहीं, ये कारवां आगे बढ़ा ब्रूसली की तस्वीरों के साथ, और आजकल तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी पाकिस्तान की सड़कों पर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। रात में इन ट्रकों पर लाइट्स भी जगमगाने लगती हैं। इनके बम्पर पर लगी घंटियों की वजह से अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकन मिलिट्री इन ट्रकों को जिंगल ट्रक्स भी कहती हैं। पाकिस्तानी ट्रक आर्ट की बात हो तो हाजी हुसैन और काफिल भाई गोटकी वाले का जिक्र होना तो लाजमी है। आज कराची में 50,000 से भी ज्यादा लोग ट्रक्स को सजाने के कारोबार में हैं। किसी एक ट्रक को पूरी तरह से सजाने के लिए 2 हफ्ते लग जाते हैं, जिसमें 10 से 15 कारीगर इकट्ठे काम करते हैं। अब सिर्फ रस्तों पर ही नहीं, हवा में भी ये इंडिजिनस आर्ट फॉर्म दिखाई देने लगे हैं। तो अगर आप कभी पाकिस्तान जाएं, तो वहां की इन रंगीन, शानदार और खूबसूरत ट्रकों में जरूर सैर कीजिएगा।